दिस न्यूज इज एवरीवेयर कि WhatsApp आपको ऑफिशियली अलाउ कर रहा है एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में अपनी चैट ट्रांसफर करने में, बट ये इतनी बड़ी बात क्यों है इसे समझ लेते हैं। पहले WhatsApp एज अ स्टोरेज पार्टनर Google Drive यूज़ करता है एंड्रॉयड में एंड आईफोन में iCloud, एंड Google और Apple की इतनी बनती नहीं है, बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि एंड्रॉयड वाले आईफोन पे भी शिफ्ट करते हैं, आईफोन वाले कभी कभी एंड्रॉयड पे भी शिफ्ट करते हैं। तो उन्हें चाहिए कि WhatsApp में इतना सारा डेटा है, इतने सारे टेक्स्ट मैसेजेस हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत लोग तो अपने नोट्स, पासवर्ड्स ये सब भी WhatsApp में स्टोर करते हैं। तो अगर वो डेटा दूसरे फोन में शिफ्ट नहीं हो सकता तो वो उनका मन ही नहीं करता फोन चेंज करने का। एंड इसका सोल्यूशंस थे, मतलब बहुत महंगे महंगे सॉफ्टवेयर आते थे AnyTrans के, Wondershare के, बट एक ऑफिशियल सोल्यूशन भी होना चाहिए था एंड आज वो लॉन्च हो गया। मार्क जकरबर्ग ने अनाउंस कर दिया कि हम करने दे रहे हैं आपको, सब आपको इसके बारे में बता रहे हैं बट हम करके दिखाएंगे। वी आर बॉब द बिल्डर दिखाएंगे। आई गॉट अ न्यू आईफोन जस्ट टू शो यू गाइस कि ये कैसे सेटअप करना है, बिकॉज इतना इजी नहीं है जितना आपको लग रहा है इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में। एक दो ट्रिकी चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। वो क्या है कि जैसे आप अपना आईफोन उसे अनबॉक्स करते हो, उसका प्लास्टिक पील ऑफ करते हो, उसे सेटअप करना है। सीधा आप मूव फ्रॉम एंड्रॉइड पे क्लिक नहीं कीजिए बिकॉज आईफोन जैसे डब्बे से बाहर आएगा वो 15.4 पे होगा, उसे कंटिन्यू करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, सबसे बड़ी चीज। एंड iOS 15.5 पे जैसे ही आ जाता है उसे रीसेट करना है। सो जर्नल में जाके इरेज ऑल कॉन्टेंट एंड सेटिंग्स, ये हो गया। एंड फिर अपने एंड्रॉइड फोन पे ये तीन चीजें करनी है। फर्स्ट, चेक कर लेना कि आपका एंड्रॉइड फोन अप टू डेट है या नहीं। सेकेंड, WhatsApp का ये बीटा वर्जन इंस्टॉल करना है बिकॉज ये स्टेबल में काम नहीं कर रहा है फीचर अभी, ये बीटा वर्जन चाहिए। इसका एपीके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो तो वो भी कर लीजिए। एंड थर्ड, यू नीड टू इंस्टॉल दिस ऐप कॉल्ड मूव टू iOS। सो ये आपको प्ले स्टोर वाला वर्जन, स्टेबल वर्जन चल जाएगा। इसे ओपन कीजिए, आपको ये 6 डिजिट का नंबर देगा जो आपको अपने आईफोन में एंटर करना है। मूव फ्रॉम एंड्रॉइड ऑप्शन सेलेक्ट करके ये 6 डिजिट का एंटर कीजिए कोड एंड फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी लिस्ट में चीजें दिखाएगा कि कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, मीडिया, क्या क्या ट्रांसफर करना है, उसमें WhatsApp भी होगा। सो जस्ट सेलेक्ट WhatsApp एंड ऑल द स्टफ दैट यू नीड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड आपके इजीली 2 से 2.5 घंटे इसमें चले जाएंगे। मेरे 5 GB का डेटा था WhatsApp में, 2 घंटे लग गए। दोनों फोन को चार्ज में लगा दीजिए, आप जरा बाहर घूमने चले जाइए, मेक श्योर यू आर कनेक्टेड टू द सेम वाईफाई नेटवर्क बिकॉज अलग अलग से नहीं चलता। तो ये सब आप ध्यान में रखिए चीजें, एंड तभी जाके 2 घंटे बाद WhatsApp आपका फुल्ली नए आईफोन में ट्रांसफर हो जाएगा विद द मीडिया एंड ऑल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।